नर्सिंग छात्र संगठन द्वारा ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। जिले में कई फर्जी कॉलेजों द्वारा कोर्स कराए जा रहे हैं, जिनको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नर्सिंग छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले में 2020-21 में 90 नए कॉलेजों के आवेदन किए गए। इन 90 नए कॉलेजों में मान्यता के लिए फर्जी हॉस्पिटल, फर्जी बिल्डिंग का सहारा लिया गया। दूसरों के भवन पर कॉलेजों के नाम के बैनर लगाकर निरीक्षण कराए गए। वास्तविक रूप में उनके भवन है ही नहीं, जो कि अवैध हैं। एक कॉलेज ने फर्जीवाड़े कराने की हद ही पार कर दी, जहां बिल्डिंग किराए से ले रखी है और विभिन्न प्रकार के कोर्स जैसे बीएड, डीएड, जीएनएम जैसे कोर्स करवाए जा रहे हैं। ना तो स्टाफ है और ना ही हॉस्पिटल है। ऐसे कॉलेजों को बंद करवाने और कार्रवाई करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जय श्री श्याम कॉलेज, उसका कलेक्ट्रेट में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है, जो कि एक ही बिल्डिंग में 4 संस्थाएं चला रहा है, बीएड, डीएड, बी फार्मा, जो कि स्टूडेंटों को दलालों के थ्रू एडमिशन कराता है, सीटें बुक करता है। उनके पास ना तो कोई स्टाफ है ना कोई हॉस्पिटल्स है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है, उसका दोबारा निरीक्षण करवाना के लिए ज्ञापन दिया है शिक्षा मंत्री जी को। हमारी मांग यही है, ग्वालियर में ऐसे बहुत से फर्जी कॉलेज हैं जो अदर स्टेट को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्वालियर का नाम बदनाम कर रहे हैं, इसलिए ये कॉलेज बंद होना चाहिए और इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।